फरीदाबाद सेक्टर, बड़ी खुशी की खबर है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर के लोग कब से कर सकेंगे सफ़र, डेट आई सामने। देहरादून की राह भी होगी आसान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस अभी सोहना से शुरू हो रहा है, इसे दिल्ली से लिंक करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई ने योजना तैयार की थी। इसमें महारानी बाग के पास से डीएनडी 59 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस कंट्रोल लिंक तैयार करना था। इसकी अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए आई। दिल्ली एनसीआर के वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को राजधानी में डीएनडी से लिंक करने के लिए तैयार हो रहे कॉरिडोर पर वाहनों की आवाजाही नए साल में शुरू हो जाएगी। डीएनडी से जैतपुर के बीच करीब 9 किलोमीटर पर 50% का काम हो गया है। फिलहाल डीएनडी व जैतपुर के पास लिंक रोड में प्रवेश व निकासी मार्ग बन रहे हैं। वहीं इस हिस्से पर करीब 7 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर की सर्विस रोड भी तकरीबन तैयार है। एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट समय में पूरा करने की कोशिश है। नए साल में सफ़र शुरू होने की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक आवाजाही सिग्नल फ्री हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस अभी सोहना से शुरू हो रहा है, इसे दिल्ली से लिंक करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने योजना तैयार की थी। इसमें महारानी बाग के पास से डीएनडी फ्लाईओवर से सोहना तक करीब 59 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस कंट्रोल लिंक तैयार करना था। इसकी अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। पूरा लिंक 3 खंडों में तैयार हो रहा है, जिसमें 2 खंड निर्माणाधीन और 26 किलोमीटर के फरीदाबाद से सेक्टर 65 तक KMP पर वाहन चल रहे हैं। वहीं जैतपुर से फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक के करीब 24 किलोमीटर हिस्से का 70% काम पूरा हो गया है। फरीदाबाद सेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली में हिस्से में एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। ढांचागत निर्माण अंतिम चरण में है, इन्हें जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्रेश बैरियर और साउंड बैरियर लगा दिए गए हैं। वहीं एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे सर्विस रोड बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लिंक रोड की शुरुआत महारानी बाग के पास सराय काले खां के समीप हो रही है। ऐसे में यहां पर नोएडा आश्रम और दिल्ली देहरादून जाने वाले वाहन चालकों के लिए कनेक्टिंग रोड बनाई जाएगी। एनसीआर की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। 59 किलोमीटर लंबे 6 लेन के लिंक एक्सप्रेसवे की पूरी तरह से तैयार होने जाने पर एनसीआर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद के यात्रियों को पलवल, आगरा या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए भीड़ वाले मथुरा रोड से नहीं गुजरना पड़ेगा। मौजूदा समय में वाहन चालकों को मथुरा रोड पर भारी यातायात दबाव के कारण जाम का सामना करना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे फरीदाबाद, मथुरा और पलवल जा सकते हैं। लिंक एक्सप्रेसवे से शुरू होने से वाहन चालकों के पास वैकल्पिक मार्ग होगा। देहरादून की तरफ जाने वालों को भी फायदा मिलेगा। लिंक एक्सप्रेसवे से एक एलिवेटेड रोड सराय काले खां की तरफ निकली जाएगी। इससे वाहन चालक सीधा इस रोड से दिल्ली मेरठ हाई एक्सप्रेसवे से होते हुए अक्षरधाम की तरफ जा सकेंगे। इससे वे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ला रही है नया वर्चुअल कार्ड सिस्टम, टिकट के लिए लाइन में लगने से मिलेगी मुक्ति। इंडियन नेवी ने घोषित किया अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम, दूसरे चरण के लिए एडमिट कार्ड भी जारी।
हम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।